Assalamualaikum everyone, we're here with someone very special. Assalamualaikum Ran, कैसे हैं आप? कैसा गुजर रहा है आपका lockdown और रमजान? वालेकुम अस्सलाम आमना, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ और आहिस्ता आहिस्ता करके इस लॉकडाउन का आदि होता जा रहा हूँ। और बस लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत तंग आ रहे हैं और वो बस उनकी उनको उनकी बस बस नहीं चल रहा उनका कि किसी तरह एक दूसरे को काट खाए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ये हाँ ये टाइम अच्छा, रहा है। आपका लगता है बड़े कोई दिलचस्प लोगों से ताल्लुक है जो कि एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, नहीं, इस पे हम बाद में आएंगे। मैं हाँ जी, मैं इस लॉकडाउन की वजह से बहुत से उन लोगों के साथ इन टच हो गया हूँ जो जो बहुत मसरूफ रहते थे और उनके साथ मुझे वक्त गुजार के बहुत अच्छा लग रहा है फोन पे। और डेफिनेटली घर अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना का तो मैं कब से तसव्वुर करता था कि इस तरह मैं बच्चा होता था छोटा सा और मैं उनके साथ सो जाया करता था। अभी मैं आजकल उनका हाथ पकड़ के सोता हूँ और यकीन करें इससे खूबसूरत और सुकून की नींद मुझे शायद पहले नहीं आई, काफी अर्से बिल्कुल से। सही है, आपने कहा कि माँ बाप से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और बहुत से हम सबको टाइम मिला है कि हम वो काम कर सकें, कनेक्शंस रीएस्टैब्लिश कर सकें जो कि हम पहले फॉर ग्रांटेड लेते थे। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, योर मदर्स बीन अनवेल, और आप इस्लामाबाद आप शिफ्ट हो गए थे लॉकडाउन से पहले ही, तो एक तो हमें बता जी दें, जी हाउ इज शी डूइंग नाउ और इज शी बेटर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ऐसा है कि जिस तरह अल्लाह ने दोबारा उनको जिंदगी की तरफ पलटाया है। और क्योंकि मैंने अपने 3-4 महीने पहले अपने अपने फादर को खोया था, तो मेरे लिए मेरे पाँव के नीचे से जिस तरह जमीन निकल जाती है ना आमना मम्मी की, जब मैंने हालत ये देखी तो मुझे लग रहा था कि बस अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर अब कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ तो शायद मैं जिंदा नहीं बच सकूंगा। लेकिन मैं जिस टर्मोइल के बाद, जिस तरह आपने कहा आपको मैंने खड़ा किया है पापा की डेथ और मम्मी के सारे के बाद, तो मुझे पता है कि मैं किस से गुजरा हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शी इज माशाल्लाह बैक टू लाइफ एंड शी इज डूइंग वेल माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ अदरवाइज इन इस्लामाबाद? कराची में तो मुझे पता है शूटिंग्स होती हैं, इतनी बिजी आपकी लाइफ होती है दैट इस्लामाबाद इज बिकमिंग लाइक एकदम ज़ेन हो जाता है बंदा। हाँ, लेकिन आप यकीन करें मैं बहुत इस्लामाबाद की पेस के साथ चलने वाला इंसान हूँ। मुझे कराची से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए कि कराची ने मुझे रिस्क दिया है, इतना प्यार दिया है। लेकिन इस्लामाबाद में जिस तरह मेरा वक्त गुजरता है ना, जंगलों में पत्तों बूटों के साथ और अपने जानवरों के साथ और अपने लॉन में, और जिस तरह मैं ट्रैकिंग के लिए और उस तरह निकल जाता हूँ, वो मुझे लगता है कराची में मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और ये हवा की जो खुशबू है ना, ये बड़े अरसे बाद दोबारा से मैंने इस्लामाबाद में महसूस की है, जिसमें वो धुएं की खुशबू ने, मुझे खैर वैसे इस्लामाबाद में वो भी कम है, लेकिन अब जो बहार आई है ना वो काफी अरसे बाद ऐसी बहार आई है। तो क्या कहते हैं, बहार अपनी बहार पर है, वो परवीन शाकिर की एक लाइन है ना, तो आजकल लगता है बहार अपनी बहार पर है। आप तो चले गए इस्लामाबाद बाहर एंजॉय करने और ग्रीनरी एंजॉय करने और माउंटेन्स और ये सब, पीछे आप छोड़ के हमारे लिए कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में एक किरदार को जिसका नाम है जामिन। तो हम सबर करें सबर करें, रमजान सबर का नाम। नहीं, आप कितना सब्र और कराना चाहते हैं हमसे, मतलब या आप वैसे मुझे लगता है आमना, हम जी जब हम मैं तो उस वाले वक्त का हूँ ना कि जब मैंने पीटीवी कभी ड्रामे देखे, और मैं अभी भी अशफाक अहमद साहब की वाली सारी चीजें जो मैं नहीं देख सका था अपने बचपन में, मैं अभी भी वो देखता हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब के ऊपर बड़ी उसकी वजह से सहूलत हो गई है कि जो 13 एपिसोड का स्लॉट होता था ना, वो बेहतरीन स्लॉट था। आई थिंक उसमें जो हमारे एपिक्स बने हैं ना, वो अब नहीं बन सकते, इसलिए कि आपको कहानी को खींचना पड़ जाता है, इनेविटेबली आपको उसको ड्रैग करना पड़ जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी बड़ी एपिसोड्स में, बहुत ज्यादा एपिसोड्स में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन कहानी अगर छोटी हो और एपिसोड्स बढ़ा दी जाए तो फिर यही होता है जो जो हो रहा है। नहीं, इमरान, हमें कहानी के स्ट्रेच होने पे एतराज नहीं है, हमें तो कहानी पे एतराज है। हमें तो जामिन पे एतराज है जिसने पिछले 20-25 एपिसोड से दो औरतों को ऐसे जगल वो कर रहा है, और मतलब है कि बहुत से सवाल उठते हैं जामिन को लेके हर चीज के कि अच्छा, मुझे मुझे बताइए ना कि सहर मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है। सहर कह दे कि भाई मैं तलाक दे दूं, मुझसे मैं खुला लेती हूँ तुमसे। जामिन बेचारा शहर मसरा, हैज नोवेयर टू गो, शहर हैज नोवेयर टू गो, शहर क्या भी वो चली जाएगी। बेइज्जती की जिंदगी के साथ गुजारने से बेहतर है अपनी जिंदगी के वो गर्ल्स हॉस्टल में जिंदगी गुजारते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मदरसतुल बिन्नात वो कौन सा नहीं? होता है, दारुल अमान, वहां चली जाए हैदराबाद में, अच्छा उसकी छोड़े माँ को आप, भी बुरा भला कह रहे हैं। नहीं, जामिन जो है ना वो
प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन चले नहीं जामिन नहीं देखिए जामिन तो क्या, उसको 12 दफा हर एपिसोड में जादूगरनी कहा जा रहा है, उसके सामने भी और उसके पीछे भी, आप लोग तंग नहीं आए? नहीं, जामिन को तो नहीं जादूगरनी कहा जा रहा, जामिन तो बेचारी शहर को कहा जा रहा है। नहीं लेकिन आप मुझे वही तो कह रहा बताएं, हूँ। अब इमरान कुछ तो आपने सोच के ये रोल किया होगा ना, आपके कोई ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं जामिन के साथ होगा, कहीं डीप अंदर कहीं, तो आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि क्या एक मर्द के लिए दो औरतों को उसके साथ एक वक्त पे प्यार करना मुमकिन है? इज इट पॉसिबल देखिए फॉर अ मैन टू लव एक टू वक्त में, वुमेन? एक वक्त में मुमकिन नहीं है। प्यार अगर है, अगर प्यार है तो ठीक है, तो वो एक वक्त में आप दो इंसानों को, मैं उस बात प्यार की बात नहीं कर रहा जो आपको माँ बाप और वतन की मट्टी और इससे होता है, वो वाली मैं दूसरे प्यार की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको प्यार ऑक्यूपाई करता है आपकी एनर्जी, आपके दिल, आपके आपकी आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो उसमें फिर दूसरे की गुंजाइश रहती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक वक्त में दो इंसानों से प्यार कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर आप जरा अपनी सैनिटी को और अपनी जरा सोच को जरा थोड़ा सा दस्तक दे के देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मगर आप प्यार बात आपको एक कर सही रहे हैं होगा। अनप्लेटोनिक लव की, जो कि एक मर्द और औरत के बीच में एक मोहब्बत और इश्क का जज्बा और इश्क, हाँ 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 जी, हाँ जी, एक रिश्ता होता है। बार बार हो सकता है, देखिए बार बार हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है। आप किसी, यू गेट इन लव, यू गेट आउट ऑफ लव, यू गेट into relationship, उसके बाद आप निकल के दूसरे में जाते हैं, जिंदगी बहुत बदलती है। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद आज से 5-6 साल पहले मुझे जिससे प्यार था, अब मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं ही था, उस वक्त क्या हुआ था, वो क्या मेरा अंदर कोई इम्बैलेंस हो गया था, मेरा कोई हार्मोनल चेंजेस आ रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बाद में दोबारा मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी आपके इमोशंस, आपकी हर चीज बदल रही होती है वक्त के, हर हर तो एक्सपीरियंस के अगर साथ आप साथ, वक्त के एक साथ। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि जामिन था एक कमिटेड रिलेशनशिप में, और अगर आपको किसी दूसरी औरत से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो आपकी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ख्याल से लड़कों के लिए या मर्द देखिए के लिए? उस बिल्कुल यहाँ उसकी गलती ये थी कि उसको दूसरी लड़की को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, अगर उसको इतना अच्छा दोस्त समझता था, और तो वो शायद वो मान भी जाती, क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रांग लड़की थी, वो इतनी ज्यादा पागल नहीं थी। वो तो अब वक्त के साथ हुई है, तो मेरी बहुत सारी हमदर्दियां हरीम के साथ हैं। लेकिन इंसान गलतियां करता है अपनी जिंदगी में, और यही उसकी जो गलती थी, उसको वो देखिए उसको कहाँ पहुंचा दिया बेचारे, छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अच्छी खासी मजे से जॉब कर रहा था। इतना छोटा वैसे अपार्टमेंट नहीं है। माँ की भी बेइज्जती होती रहती है हर वक्त बेचारी, वो भी। नहीं मैं तो वही कह रही थी ना कि किस्म किस्म की माएं भी होती हैं, एक वो भी मुनज्जा ताई भी एक माँ है जिनको ये है कि मुझे इतने से उसमें माचिसदानी में बंद कर दिया है और मेरी जिंदगी अजाब कर दी है, वो बेटे का नहीं सोच रही कि वो क्या करे, वो अपना सोच रही है सिर्फ। ये भी वैसे एक, ये वाली ब्रीड माओ की जो है ना, ये थोड़ी सी रेयर है वैसे। रेडी, कौन सी वाली मैं माँ बता रही हूँ कि थोड़ा सा हक बड़ा यूनिक ड्रामा है, ऐसी ऐसी ब्रीड बड़ा। माशाल्लाह से थोड़ा सा हक में हमें बड़े बड़े यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स मिले हैं, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं हमें करना चाहिए ड्रामे को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बड़ा देखिए ऐसे जो है ना, आपको अजूबे जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये बात कि आप अपने ड्रामे का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, जो बात गलत है वो गलत है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो, लेकिन हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे। मैंने बड़े बड़े शाकार लोग देखे हैं, तो है इसमें कुछ। देखिए परफेक्ट तो, परफेक्ट ड्रामा कौन सा आज तक बनाया आप, अभी लेटली जो सबसे बड़े हिट ड्रामे गए हैं उसके अंदर मैं आपको 10 झोल दिखा दूं, तो हाँ इसमें है बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे भी, मैं जिससे अग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं मेरे ख्याल दुनिया में, गलतियां भी सबसे ठीक है। होती हैं, और बड़े बड़े। बिल्कुल, आपके तो खैर बड़े बड़े किस्म के लोगों के साथ रहा है, आपने काम किया है, बहुत बॉडी ऑफ वर्क आपका काफी बड़ा है, पाकिस्तान में आपने बेतहाशा ड्रामे किए हैं, और हाउ कैन वी ऑल्सो फॉरगेट आपने जो काम बॉलीवुड में किया है, तो कई किस्म के क्रिएचर्स के साथ और आपने तरह तरह के काम किए हैं, तो आप फिल्मों की तरफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आपका रुख हुआ? मतलब आपको कोई ऐसा क्रीचर नहीं मिला जिसको जो जो आपके देखिए दिल को मुश्किल में डाल दे? बहुत ऑफर्स होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं, अभी भी मेरे पास कोई 3 फिल्मों के स्क्रिप्ट्स तो पड़े हैं कमरे के अंदर, जो कि मैंने कह दिया था कि हाँ भेज दें, कुछ को तो मैं फोन पे ही मना कर देता हूँ। अभी अभी 3 फिल्म्स के मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हैं, जो कि जिनको मैं
सोच रहा हूँ पढ़ने का, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं फोन पे ही मना कर देता हूँ कि नहीं बात नहीं बनेगी। बीच में कितनी आई जो कि ये वाली हैं जो अभी बनने वाली, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आके चली गई बन गई जिन पे मैंने मना कर दिया। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा अफसोस मुझे नहीं हुआ कि मैंने जो फिल्म रिजेक्ट की है उस पर, अगर शायद मैं कर लेता तो मैं बहुत कोई तीर मार लेता, या वो प्रोजेक्ट भी बहुत कमाल का था। मुझे मुझे डेफिनेटली आमना ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है। ये हम बॉलीवुड में नहीं रह रहे या हॉलीवुड में नहीं रहे, अभी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है। जो स्टार्स हमारी टीवी बना रहे हैं वो फिल्म उस तरह नहीं बना रही।